बॉल हो जाना था। अनिल के द्वारा जो चार बॉले हुई है पोखरा क्रिकेट क्लब के सुनील रावत, सुनील सिंह रावत जी, और ये क्रिकेट क्लब सिंह रावत अपने कैंडे का दूसरा ओवर टीम के लिए तीसरा ओवर लेते हुए अच्छी बॉल यहाँ पर हिट कर दिया है, यहाँ पर हवा में बॉल गई है, फील्डर उसके पीछे देखने की इसे चौका रोक पाएंगे नहीं, और जिसकी हाँ विवेक सामना करेंगे अनिल का शुभम में यहाँ पर, लेकिन इस फील्डिंग यहाँ पर आउट हो सकते थे यहाँ पर, लेकिन और ये ओवर थ्रो का यहाँ पर हम देखना होगा चौका जाएगा या नहीं। चार रन भगवान सिंह रावत, और यह अपने पल में बेहतरीन विकेट सीधा हाथों में, और इससे बेहतरीन कैच वो भी एक बॉलर के द्वारा अपने पलोत्री में बहुत ही मुश्किल। रावत बहुत बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर मिड ऑफ में, अगर ये मिसफील होती तो चार रन का खामियाजा भुगतना पड़ता। यूके क्रिकेट ओवर की समाप्ति पे, छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन एक विकेट के नुकसान पे, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, और ये हवा में बॉल मार दिए और बोली लेखा के पार, बोली लेखा के पास कैच कर लिया गया उसे। मनोज की अगली गेंद शॉट, कवर और मिड ऑफ के बीच में से खेल के रहे, लेकिन बहुत अच्छा फील्ड वहां पे, दो रन फिर भी महावा देवी क्रिकेट क्लब। एक बार फिर से शॉट खेला, फील्डर मौजूद है, कैसे पकड़ पाएंगे, जी हाँ सारे से एक और विकेट, शानदार कैच, शानदार गेंदबाजी, टाइम नहीं कर पाए अजय पाल का ये बोल। जसवाल जी के लिए गेंद, अच्छी गेंद और इतनी अच्छी तरह से उसको प्लेस किया है। वेरिफिकेशन के लिए दोनों कैप्टन तैयार हैं दोनों टीमों के, अभी पहला वेरिफिकेशन होगा जय मां भूमी देवी स्पोर्ट्स क्लब का यहां पे, और उसके कैप्टन है भाई पृथ्वी सिंह रावत जी। अगली गेंद सामना करेंगे जसवाल जी, शॉट, फील्डर मौजूद है, क्या इसे पकड़ पाएगा, छी नहीं, ये गेंद जाते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। क्रीज पर डटे हुए हैं, शॉट अच्छा था, एक बार फिर तो उसी दिशा में खेल दिया है शॉट को, लेकिन और एक क्लीन बोल्ड, तीनों स्टंप को काट कर उसवाल जी का विकेट, 10 ओवर 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर महावा देवी, और ये थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया उसे 4 रन के लिए, दोनों फील्डरों के बीच में से यहां तक पहुंचा पाएंगे या नहीं। और ये एलपीडब्ल्यू के प्लेयर, ये आउट बिल्कुल विकेट के बीच में पाया गया यहां पर, और एलपीडब्ल्यू आउट होते हुए विनिंग ना करेंगे हीरामणि का, अटकी हुई गेंद थी यहां पर, और ये बॉल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर हीरामणि के द्वारा क्लीन बोल्ड किया है यहाँ पर बल्लेबाज को अर्जुन नेगी को, अर्जुन दीपक सिंह रावत जी, सिंगल रन चुराया यहाँ पर, डबल की प्रयास यहाँ पर, और जिसमें कामयाब होंगे नहीं देखना होगा, और जी हाँ ये बहुत कामयाब हुए दो रन करके समाप्ति पर 66 रन 6। सुनील सामना करेंगे गजेंद्र का, अच्छी बॉल यहाँ पर फाइव लेग की तरफ खेल देता है, लेकिन उससे अच्छी फील्डिंग, एक रन से ही संतोष, लास्ट बॉल अपने कोटे का गजेंद्र रावत, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, और अपने ही पलट में देखना और कर सकेगा नहीं, और ये अपने पलट में बहुत अच्छी रन आउट यहाँ पर सुनील को किया गजेंद्र ने अपने पलट में, ये एक बॉलर का बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। खेल दिया उसे यहाँ पर, और फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए बोल के देखते हैं रोक पाएंगे नहीं, लेकिन उसे बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर रोक दिया है उसे, राजपाल सामना करेंगे भगवान सिंह का,
थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया उसे, जब तक फील्डर से कलेक्ट करते तो दो रन चुरा लिया यहाँ पर। बहुत अच्छी रनिंग यहाँ पर हेलो मैच नंबर 12 मैच नंबर 12 जयमा भूमि कवर में खेल दिया उसे। स्कोर है 83 रन। छह के एवरेज से रन बनते हुए यहाँ पर शॉट खेल दिया उसे लोगों की दिशा में इस चार रनों के लिए यहाँ पर उनका 13वां मैच खेल दिया उसे यहाँ पर कवर की तरफ। जब तक बॉल फील्डर बॉल कलेक्ट करता तो दो रन चुरा लिया यहाँ पर। एक वार्निंग दी है नॉन स्ट्राइक एनफोर्सेबल खिलाड़ी है उनको। शॉट फुल टॉस गेंद थी इसको। गोविंद प्रदीप जी एक बार आ जाएं प्लीज यहाँ पे। गोविंद प्रणाई जी एडमिन ने गोविंद राजपाल सिंह को अगले गेम और ये खेल दिया यहाँ पर फाइनल की दिशा में। नजाकत भरा स्ट्रोक था ये। ये लास्ट बॉल होगी। 95 रन बना चुके हैं अभी तक। महावा देवी पटकी हुई गेंद थी उसे खेल दिया है मिड ऑफ की तरफ। जब तक फील्डर बॉल कलेक्ट करेगा दूसरे रन की भागने की कोशिश है। देखते हैं किसमें क्या होगा। वार्म अप करते हुए दोनों बल्लेबाज क्रीज पर। शुभम की ये पहली गेंद क्रांत 90 गेंदों में बनाने 96 रन। बढ़िया गेंदबाज और उतना ही अच्छा रक्षात्मक स्ट्रोक। कोई रन पर तीसरी गेंद शॉर्ट फील्डर मौजूद एक रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी की दूसरी गेंद कुलदीप यादव की और ये बॉल क्लीन बॉल बढ़िया गेंदबाजी जिसका बढ़िया शॉट पहला गेंद जो कि बल्ले से बच गया है कौन की वजह से। शॉट गेंद हवा में फील्डर नीचे कैसे पकड़ पाएगा। जी हां बहुत ही शानदार कैच और एक और सफल दूसरा विकेट। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि भारत दाल पक चुका है जाके खाना खा। पकड़ के लोगों पकड़ के और बोल मत खेल है फुल टॉस गेंद और पूरा फायदा होता है फुल टॉस गेंद का। सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए ये अच्छा प्लेसमेंट थर्ड बैंक तरफ क्या चार रन जाएगा। जी हाँ पहले 4 को देखिए अब जाके खाता खोला है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद स्कोर है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ₹100 लगा दो भाई एक विकेट पे ₹100 हां। एक बार फिर शॉट गैप पे 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट। कोई भी बॉलर बन एक विकेट पे ₹100 देना। गेंदबाजों के लिए एक नया ऑफर पर विकेट ₹100। एक बार फिर फुल टॉस गेंद फील्डर मौजूद है लेकिन सिर्फ दर्शक बनकर देखते रह जाएंगे इसको क्योंकि ये गेंद जा चुकी है सीमा रेखा के बाहर 6 रन करिए अपनी टीम को वापस लाएं। अच्छी बॉल यहां पर फ्लिक किया है यहां पर लेकिन एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा यहां पर। छह रनों के लिए यहाँ पर बॉडी लेखा के बाद 6 रनों के लिए बहुत अच्छा शॉट यहाँ अच्छा शॉट यहाँ पर खेल दिया यहाँ पर पॉइंट की तरफ लेकिन एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा यहाँ पर।
अमित नहीं सामना करेंगे तरुण। अच्छा शॉट यहाँ पर कॉल की तरफ खेल दिया है यहाँ पर और बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए सात ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे तरुण। मेरी मुलाकात आप लोगों से अभी हो रही है सबसे सामना करेंगे और आज उत्तराखंड यहाँ के द्वारा खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में देखना पड़ा लोग सिंगल जब तक आठ ओवर के समाप्ति में स्कोर हुआ है 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खाना मिलेगा उसके बाद खाना बंद हो जाएगा। आप सभी से प्रार्थना है आप जल्दी से जल्दी पार्किंग में पहुंचे। धन्यवाद भाई लोग। हार्दिक आभार है। धन्यवाद धन्यवाद कम्युनिटी धन्यवाद आपका। एक बार शॉर्ट फील्डर मौजूद है लेकिन थोड़ा सा आगे खेलने का प्रयास किया था लेकिन पूरी तरह से चकमा खाया और गेंद जाकर लगी स्टंप को। शॉट फील्डर मौजूद है लेकिन मिस फील्ड किया है इसको गेंद सीमा रेखा की ओर जाती है लेकिन पीछे से बैकअप किया। अच्छा मतलब दक्षिण पूरी एक बार फिर फुल टॉस किया हवा में फील्डर मौजूद कैसे पकड़ पाएगा जी आसानी से इसको पकड़ लिया कैच और ये एक और विकेट का पतन होता हुआ छठा विकेट 13/17 ऑफर 6 विकेट 4 विकेट शेष। बढ़िया शॉट एक रन के इस दौड़ को पूरा किया इससे पहले गेंद फील्ड करके छोड़ दिया एक और रन ओवर थ्रो के रूप में एक अतिरिक्त रन कामयाब करना पड़ेगा। 12 गेंद 15 रन रोमांच बढ़ता हुआ 4 विकेट हाथ में। अब यहाँ से ये मैच किस ओर जाएगा यूके क्रिकेट क्लब या मां हवा देने 11 गेंदों में 14 रन हो गया मैच बहुत ही शानदार शॉट लेकिन फील्डर मौजूद है क्या इस पर उड़ पाएगा जी नहीं ये जाते हैं सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और एक कप्तान के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया शॉट अपनी टीम के लिए अपनी टीम को जीत की ओर ले जाते हुए 6 रनों पर बहुत बहुत बात एक और बड़ी और वीरेंद्र सिंह का फिर शॉट मारा है फील्डर मौजूद तेज कर लेकिन अब खराब फील्ड मिस किया एक उसका था मैं एक रन और अब 9 गेंद 5 रन कप्तान है नॉट आउट है एक बाउंड्री इस खेल को खत्म कर सकती है एक बड़ा हिट। मुझे लगता है अभी इसको कोई गलती नहीं करनी चाहिए इसको आराम से गेम खत्म कर देना चाहिए जिसका डर था वही बार कप्तान का विकेट क्लीन बोल बहुत ही अच्छी गेंद लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ा उसका एक ओवर थ्रो का रन फील्डर के हाथों में और इस तरह की गेंदबाजी हो तो मात्र 2 रन शेष शॉट फील्डर के हाथ में भी कैच लपका आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और ये मैच खत्म किया एक ओवर थ्रो से भी एक रन आया और ये मैच खत्म किया बहुत ही खराब निराशाजनक फील्डिंग कैच लपका।